जय हिंद। अगर आपको भी बीसीए कंपनी के बोनस शेयर अब तक नहीं मिले हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बोनस शेयर नहीं मिलने के पीछे क्या कारण है, क्या कंपनी फ्रॉड है या और भी कुछ कारण हो सकते हैं। साथ में यह भी बताऊंगा कि मैंने क्या क्या प्रयास किए इस बोनस शेयर को पाने के लिए और आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, यानी कि आपके राइट्स क्या क्या हैं अगर बोनस शेयर नहीं मिलता है तब उसको करने के लिए। शुरुआत थोड़ी सी शुरू से करेंगे ताकि बातें समझने और जाने में सहूलियत हो। बस आप अपना 5 मिनट मुझको दीजिए, मैं 5 मिनट में सारे बातें क्लियर करके रख दूंगा। आइए शुरू करते हैं। बीसीजी यानी कि ब्राइटकॉम ग्रुप, देखिए यह जो कंपनी है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप जानते हैं जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने का यह कंपनी काम करती है और भी तमाम डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप देखेंगे तो भारत के हैदराबाद में इस कंपनी का मतलब हेड क्वार्टर है और भारत के अलावा यह कंपनी अमेरिका तथा यूरोप के भी कुछ अलग अलग देशों में अपना कारोबार करती है, वहाँ पर भी इसका बिजनेस चलता है। साल 2008 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। साल 2008 से देखेंगे तो अभी तक लगभग 14 वर्षों में इस कंपनी का साख उतना कभी नहीं गिरा था जितना अभी जनवरी से लेकर अप्रैल तक में गिरा है, सिर्फ एक इसको बोनस शेयर अब तक नहीं देने की वजह से। और 2008 से 2022 तक में कंपनी ने काफ़ी काम भी किया है, अब विस्तार किया है अमेरिका से लेकर यूरोप तक। और मार्केट कैप भी देखेंगे तो 15,052 करोड़, लगभग एक मिड कैप पेनी स्टॉक से स्मॉल कैप कंपनी बनी, अब मिड कैप कंपनी बन चुकी है। तो धीरे धीरे कंपनी का तो विस्तार हो रहा है, लेकिन शेयर प्राइस देखेंगे 77.95 आज के दिन भी देखेंगे तो इसमें 2.63% की गिरावट देखने को मिल रही है और गिरावट का सिलसिला पिछले एक माह से लगातार जारी है। समझे, एक माह पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस जहां 108 रुपया हुआ करता था, देखिए एक माह से गिरकर 77.95 रुपये तक आ चुका है। यहां देखेंगे तो एक माह में लगभग 9.25% टूट चुका है, एक सप्ताह में लगभग 14% स्टॉक टूट चुका है। और देखिए धीरे धीरे यह जो स्टॉक टूटने का यानी कि नीचे जाने का क्रम है वो तेजी से गिरते जा रहा है, यह बात समझना होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, स्टॉक इतना तेजी से नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि मैंने जैसे कहा कंपनी का साख गिरा है। साख किस बात के लिए गिरा है तो यहां समझिए, कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था 25 जनवरी 2022 को इसी साल कि यह बोनस शेयर देगी 2:3 के रेशियो में, यानी कि आपको प्रत्येक 3 शेयर पर 2 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे। और कंपनी ने यह भी कहा था कि अनाउंसमेंट से जिस दिन यह अनाउंसमेंट कंपनी करे उससे 2 माह के अंदर यह बोनस शेयर आपको क्रेडिट कर दिए जाएंगे। एक्स डेट भी बताया था कंपनी ने, एक्स डेट इसके लिए रखा था 15 मार्च को, यानी कि 15 मार्च के दिन हर हालत में आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें इसके एक्स्ट्रा शेयर आ जाएंगे। लेकिन मार्च बीत गया, अप्रैल भी खत्म होने को है, लेकिन अभी तक इसका जो एक्स्ट्रा शेयर मिलने वाला था उसका कोई अता पता नहीं है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हो सकता है CDSL की तरफ से कोई गड़बड़ी हो, CDSL जो डिपोजिटरी सिस्टम होता है जहाँ शेयर रखे जाते हैं, लेकिन ये कोई मेन कारण नहीं है। बहुत सारे लोग यह भी करेंगे कि टेक्निकल इशू हो, लेकिन ये सब कहने सुनने को बातें, ये रियल कारण ये नहीं है। अगर ऐसा रहता तो बहुत सारे कंपनियों ने बोनस अनाउंसमेंट किए हैं, सिर्फ एक यही कंपनी थोड़े स्टॉक मार्केट में जिसने बोनस अनाउंसमेंट किया है, बाकी कंपनियों के तो बोनस या स्प्लिट शेयर नहीं अटके हैं, सिर्फ इसी कंपनी के बोनस क्यों अटके हैं? तो इसके लिए कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सेबी जिम्मेदार है। सेबी इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि भारत में देखिए आजकल जितने भी संस्थाएं भारत के बड़े बड़े अपना मन से काम नहीं कर रहे हैं। क्या यह बात सेबी को पता नहीं है कि बीसीजी ने बोनस अनाउंसमेंट किया था आज से 3 माह पहले 4 माह पहले और अभी तक नहीं दिया? और अगर नहीं पता है तो इसके लिए भी सेबी जिम्मेदार है, सेबी को क्यों नहीं पता है? और अगर पता है उसके बाद भी सेबी एक्शन नहीं ले रहा है तो इसके लिए भी सेबी को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा? ये जो इसमें अधिकारी बैठे हैं ठीक से काम नहीं कर रहे, इस बात को आप समझिए। आज मैं जब सुबह इस कंपनी के बारे में अध्ययन कर रहा था तो मैंने पाया कि जब मैंने कंपनी का प्रोफाइल खोला तो कंपनी में इसका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ था। देखिए ये इस कंपनी का मोबाइल नंबर, किस एंगल से यह मोबाइल नंबर लग रहा है आपको? मैंने देखते ही समझ गया कि ये गिरी है, कोई मोबाइल नंबर नहीं है। और मैंने इस पर कॉल भी किया और जब कॉल किया तो उधर से बताया गया कि ये वैलिड नंबर नहीं है। उसके बाद मैंने कंपनी के ईमेल ये है, देख लीजिए ईमेल है ir@brightcomgroup.com। मैंने इस पर कंपनी को मेल भी किया और पूछा कि आप मेरा जो मैं इस कंपनी का एलिजिबल शेयर होल्डर्स हूँ और मैंने रिकॉर्ड डेट से पहले कंपनी के शेयर्स को बाय किया था लेकिन फिर भी अभी तक मुझको इसका बोनस शेयर नहीं मिला है, कब मिलेगा बताइए? लेकिन अभी तक मेल का कोई जवाब नहीं आया है। तो देखिए कंपनी यहाँ प्रोसेस में फ्रॉडगिरी कर रही है। अगर मान लीजिए कोई समस्या है, कंपनी को बोनस शेयर देने में कोई समस्या आ रही है, कहीं मामला फंसा है या मान लीजिए कोई टेक्निकल कारण ही है, तो कंपनी के जो डायरेक्टर है या जो एग्जीक्यूटिव उसके ऑफिसर्स हैं उनको सामने आकर बताना चाहिए कि बोनस शेयर का मामला कहाँ फंसा है और कितने दिन तक फंसा रहेगा, कब मिलेगा, कुछ भी तो बोल देते हैं ना तो उसे शेयर होल्डर्स को भरोसा हो जाता है कि हाँ चलिए भाई जब कंपनी के मालिक की तरफ से बात कहा जा रहा है हो सकता है सच है, थोड़ा भरोसा हो जाता। लेकिन एकदम खामोश बैठे हुए तो हम लोग तो यही मानेंगे ना शेयर होल्डर्स की कंपनी चोर है, कंपनी फ्रॉड है। अब समझिए ये तो मैंने अपना प्रयास किया, मुझको अभी तक बोनस शेयर नहीं मिला। अब आप क्या कर सकते हैं, आपके क्या क्या राइट्स हैं समझिए। सबसे पहले तो आप इसके ब्रांच ऑफिस जा सकते हैं। अब देखिए ब्रांच ऑफिस खोजना बहुत मुश्किल भरा काम है, आप ऐसा कीजिए सीधे हैदराबाद ही चल जाइए। अब आप कहेंगे कि बिहार से अगर हैं तो हैदराबाद कैसे जाएं, तो कम से कम जो लोग हैदराबाद से हैं वो तो जा सकते हैं ना इसके ऑफिस में। वहाँ ऑफिस में जाइए, वहाँ किसी नोडल ऑफिसर से अपॉइंटमेंट लीजिए, कंपनी के
सीईओ से मिलने के लिए, डायरेक्टर से मिलने के लिए, किसी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लीजिए, उनसे मिलिए, उनसे बातें कीजिए। अगर वहाँ पर भी आपका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो आप जा सकते हैं सेबी के पास। लेकिन जैसा मैंने आपका कहा, सेबी ऑलरेडी जिम्मेदार है इसके लिए। सेबी को अगर कुछ करना रहता तो कभी का कर दिया रहता, कोई एक्शन लिया रहता, लेकिन सेबी की तरफ से भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मिला जुलाकर अब आपके पास एक ही रास्ता बचता है, आप कोर्ट जा सकते हैं। ये एक आखिरी विकल्प और एक मुकम्मल विकल्प है, यहाँ पर आपकी समस्या का समाधान जरूर हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट में यह फैसला आपके ही हक में आएगा और आपका जो भी समस्या है इस बोनस शेयर से रिलेटेड, जल्द समस्या को दूर कर दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो, यह अपडेट आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।